कानपुर में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और गांव के दबंगों ने दूसरे पक्ष के आदमी और उसके बेटे को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया। गंभीर रूप से घायल पीड़ित अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने सभी बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कानपुर के चिल्ली गांव का ये पूरा मामला, जहां पर जमीन विवाद में बाप बेटे को जिंदा जलाने का ये मामला सामने आया है। दो परिवारों के बीच में एक 4 फुट की जमीन को लेकर के विवाद हो गया था, जिसमें दोनों पक्ष के परिजन शामिल थे, जिसमें एक पक्ष के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल से तेल निकाल करके उसे बोरे में डाल करके और दूसरे पक्ष पे फेंक दिया गया, जिसमें दो लोगों को बर्न इंजरी आई है, जिन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। वो हमारी जमीन छोड़ता नहीं है, बोले को गाली ना दो, ऐसा करो तुम अपनी जगह में रहो, हम अपनी जगह, हम तो सवेरे सुबह इस बात से चले जाते हैं मजदूरी करे और तुम बाबू हमसे झगड़ते हो कि फरुआ लेकर मारे चला। क्या लोग थे? 4 लोग थे। तो ये तेल, ये पेट्रोल होता है, ये पेट्रोल एक बाल्टी में लिए थे और बाल्टी में पेट्रोल एक लोग छिड़क रहे थे और लंबा डंडा में भिंगो लिया था, कपड़ा वैसे छुआ दिया सर। क्या पेट्रोल पहले से लेके आए? जी रखा, इनके घर में रखा है सर। किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान।